मावली विधानसभा में कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के मजबूत होने के आसार से और मुख्यमंत्री के मावली दौरे में घोषणाओं के बाद कांग्रेस का जोश तेज दिखने लग गया है। चुनाव नजदीक होने से गहलोत गुट व पायलट गुट के प्रत्याशी भी सभी दौड़ में लग चुके हैं। गुरुवार को मावली में नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का कांग्रेस कमेटी मावली व खेमली के संयुक्त तत्वावधान में जुलूस निकाला गया, जो शाम को 5 बजे सत्यनारायण मंदिर पुराना बस स्टैंड से रवाना होकर सदर बाजार चौराया न्याय मार्ग होते हुए राजीव गांधी कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव लव चौधरी, देहात जिला अध्यक्ष रौनक गर्ग, महासचिव प्रखर त्रिपाठी, मावली विधानसभा अध्यक्ष सोहन लाल गायरी सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस में हमारे मावली से जिला अध्यक्ष बना रौनक गर्ग, ब्लॉक अध्यक्ष बना सोहन लाल गायरी, रवि खट्टी उपाध्यक्ष बना, तमाम जो जीते हुए पदाधिकारी उन्होंने सामूहिक रूप से कांग्रेस की युवा जागृति लाने के लिए एक यूथ ने जो रैली निकाली है, उन सभी मेरे कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक अनुशासन में रहकर ये इलेक्शन करवाए, यूथ के किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई और बड़ी सजगता के साथ एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने का जो परिचय दिया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हालात देखते हुए कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने है, पूरी प्रशासन, पूरी शक्ति, पूरे देश की ताकत, पूरे देश के नेता कर्नाटक में लगे, फिर भी वहाँ 422 रैली है, रोड शो, अमित शाह, मोदी जी, तमाम ताकत, प्रशासन, सरकार पूरी लग गई और अकेले एक तरफ राहुल गांधी जी, जहाँ कांग्रेस की 136-137 सीटें आई और मात्र 65 सीटें बीजेपी की आई, बड़ी शर्मनाक हार हुई। ये आपके सामने रिजल्ट भी है और विकास भी है, इतना अच्छा विकास कराते तो 65 सीटों पे आके नहीं रुकना पड़ता था। दावे कर रहे थे कर्नाटक में हम जीतेंगे, आज यूपी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यूपी 4 भागों में बट गई है, अगर चारों ये एक होकर लड़े, आज इनके नगर पालिका और जिला प्रमुख प्रधान में कितनी सीटें आई, 594 में से 195 आई है और नगर निगम में ओनली 94 सीटें आई है, विपक्ष के गिने तो 3 गिने सीटें, तो हालत आपके सामने देखते रहो, दिनों दिन वापस कांग्रेस आने के अक्सर है और आने वाले टाइम पर पूरे भारत में वापस कांग्रेस परचम लहराएगी। मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, सभी एकजुट रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रति भावना रखें और कांग्रेस पूरे देश में एक बार वापस एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, एक एकता वाली पार्टी है, सर्व समाज को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कभी जातिवाद की लड़ाई नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है, सर्व जाति सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी के साथ रहकर इस देश में वापस एक नई सरकार, जागरूकता की सरकार लाने की कोशिश करें, ये बात कहते हुए सब मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। नमस्कार, आज पहली बार देहात जिला अध्यक्ष बनने पर मावली में जो भव्य स्वागत रखा गया है, उसके लिए मावली के सभी युवा साथी और मेन कांग्रेस के सभी मंडल अध्यक्षों का तहे दिल से धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक नई ऊर्जा के साथ यूथ को एक मजबूत जगह दी है और आपको इस मजबूत जगह पर खड़े उतरने का वादा हम दोनों युवा साथी करते हैं कि गत आने वाले समय में जो 6 महीने बाद चुनाव है, उसमें युवाओं के साथ प्रचंड बहुमत के साथ मावली में कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी को विधायक बनाकर लाएंगे और यूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।